सावन के चौथे सोमवार से पहले यूपी के जिला बरेली में चक महमूद से कावड़ियों के जत्थे को निकालने के लिए रशाकसी कई घंटे से जारी है। डीएम एसएसपी के साथ तमाम अफसर और भारी फोर्स मौके पर डटा हुआ है। दोनों संप्रदाय के बीच सहमति बनाने के प्रयास शिद्दत के साथ चल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के सहयोग के लिए हिंदू संगठन और मुस्लिम दल भी जुटे हुए हैं। वीप नेता पवन अरोड़ा अपनी भीड़ को समझा रहे हैं तो आईएमसी के पदाधिकारी मुस्लिम आबादी की भीड़ को शांत रहने के लिए मिन्नतें करते हुए सुनाई दे रहे हैं। भाजपा नेता डॉक्टर एस ई हुदा ने भीड़ को समझाने के लिए यहां तक कह दिया कि मेरा यकीन करो, तुम्हारे मान सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा। आप अपनी खुशनूदी से और अपने समर्थन से ये मैसेज दीजिए कि हाँ, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तब आगे भी निकल के आएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं बनना, यकीन जानना, भविष्य में अगर इस बार आप लोगों ने हमारे मान सम्मान का तहत कोशिश में आएगा नहीं, क्योंकि आपके वजह से ही मेरा मान सम्मान है, याद रखना, आप लोगों के समर्थन से। लेकिन उन लोगों ने इतना मान सम्मान रखा मेरा, आज आपकी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर हुदा का मान सम्मान रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहो तो मैं यहीं अभी बैठ गया। अरे मैं पक्का सैयद हूँ, 24 कैरेट सुन्नी सैयद हूँ, आला दे नबी आले अली हूँ, सच बता। कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ कि आप लोग कहोगे कोई नेता है कुछ। जिम्मेदारी के साथ आपके बीच खड़ा हूँ, आपका अपना भाई हूँ, मेरे मान सम्मान की मौला के आई तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपकी। सुन लो, मैं डॉक्टर हुदा आपके बीच मौजूद हूँ, इसमें से 90 लोग, 100 में से 90 लोग मुझे जान रहे हैं। ध्यान रखो, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह सरकार गरीब नवाज मौला पंजत के फिजान से तुम्हारे मान सम्मान पर कोई बात नहीं आएगी, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर मैं लखनऊ से बरेली से होते हुए तुम्हारे बीच यहाँ पर आया हूँ तो ये याद रखना, अपने बड़े भाई के तहफ्फुज़ की, उसकी इज्जत के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, चूंकि मेरे भाई तुम्हारे सर पर कोई चादर डालने वाले नहीं, याद रखना। तुम मेरी बातों को जज्बात में मत लेना, लेकिन ये याद रखना कि आज तुम्हें इस बात का परिचय देना है कि तुम सच्चे मौला हुसैन के शिकायत हो। कोई तुम्हें पूछेगा नहीं दोस्त, यहां से बस यहां से चले जाओ। पीछे चले जाओ बेटा, जाओ शाबाश, जाओ जाओ डॉक्टर नफीस खान थोड़ा गुस्से में हाथ जोड़कर बात को समझने की गुजारिश कर रहे हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी माइक पर कह रहे हैं कि मान जाएं आपकी बात को रखा जा रहा है, साथ में चेता भी रहे हैं कि सभी गतिविधियां कैमरे में कैद हो रही हैं, बाद में कोई शिकायत नहीं करें। आप लोग शांत हो जाइए, एक बार बात सुन लीजिए, शांत होके आप लोग एक बार बात सुन लीजिए। देखिए आप लोगों की बात आराम से सुनी जा रही है, यहाँ उपद्रव मत फैलाइए, सभी का यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि वो उपद्रव फैला के कुछ कहीं से यहाँ से गायब हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सुरेश जी, ये सारी चीज आपकी है, आप मान गए थे फिर भी उधर रहे। राकेश जी, आप मान गए थे, आपकी बात पे हम उस पक्ष से वार्ता कराए हैं, उसके बाद भी आप यहाँ ड्रामा करा रहे हैं सुबह से, अनावश्यक मत करिए, बहुत ज्यादा हो गया ये चीज। सारे लोगों को समझाइए, उसमें लोग दारू दो चार लोग पी के और यहाँ हंगामा करके बवाल खड़ा कराने के चक्कर में है। कल से बात हो रही है आप लोगों से, बार्गेनिंग कर रहे हैं सुबह से, जो आप लोगों ने कहा वो मान के उधर से बात करके आ गए, सारी तैयारी हो गई, उसके बाद नया एक चीज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जो भी आवाज सुन रहे हैं, कुछ लोग छतों पे भी हैं, सारे लोगों की फोटो वीडियो हो रहा है, फिर ये मत कहिएगा कि इसमें निर्दोष लोग फंस रहे हैं क्या है, इसलिए कृपया आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे अराजकता उत्पन्न करने की स्थिति नहीं है।